सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा जो स्नीकर का कलेक्शन है छोटा जितना भी है उसको मैं शो करूं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में अपने स्नीकर कलेक्शन दिखाने वाला हूं जो भी है मेरे पास। सो फटाफट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने फेस को क्लियर करूंगा ताकि मैं वीडियो में ऑब्वियसली अच्छा दिखूं। सो फटाफट फ्रेशन अप होते हैं एंड रेडी होते हैं। सो गाइस, आज हमारे पास है मामाअर्थ का चारकोल फेस वॉश एंड C3 फेस मास्क। तो इसको लगाएंगे एंड अपने फेस को क्लीन करेंगे। सो चलो इसको लगाते हैं फटाफट। तो गाइस, अभी हम फ्रेशन अप हो चुके हैं, अभी अपन हम स्नीकर के वीडियो चालू करेंगे। एंड उससे पहले बताना चाहूंगा, जो मामाअर्थ का फेस मास्क है चारकोल का, ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करता है एंड ये आपके स्किन से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है। एंड ऑल्सो गाइस, जो चारकोल रेंज है एकदम टेस्टेड है एंड ये एकदम सल्फेट, पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है। सो ये आपकी स्किन के लिए बहुत सही चीज है एंड ऑल्सो ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। सो और इसकी एक खास बात यह है कि आपकी स्किन को और भी ब्राइट करता है और आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है, जो कि बहुत सही बात है। एंड ऑल्सो गाइस, जो भी आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। सो गाइस, आपको अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, mamaearth.in से आपको 20% ऑफ मिल सकता है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे रहेगा 2021। एंड ऑल्सो गाइस, आप इस प्रोडक्ट को mamaearth.in के अलावा Amazon, Flipkart एंड Nykaa से भी खरीद सकते हैं, पर आपको 20% ऑफ सिर्फ mamaearth.in से मिलेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ और ऑर्डर करो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना स्नीकर कलेक्शन जो मेरा छोटा सा बना रखा है मैंने। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने अपना सबसे पहला AJ1 लिया था। इसका नाम है AJ1 हाई जूम मोनार्क करके। तो ये मैं फैमिली के साथ शॉपिंग में करने गया था, तो मेरे को पड़ावा मिल गया था। तब मेरे को इतना AJ1 का नॉलेज था नहीं, है तो अभी भी नहीं, पर तब मेरे पास इतने थे नहीं। लेकिन ये मेरा अब नहीं पहनता, पहले पहनता था, इसकी हालत थोड़ी सी टाइट है। तो तब तक आपको मैं सेकंड दिखाता हूँ। सो नेक्स्ट शूज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने अभी रिसेंटली ये परचेज किया है AJ4 लाइटनिंग। सो अभी तक मैंने इसको एक भी बार ट्राई नहीं करा है। ये मेरे को सही बताओ तो बहुत क्रेजी लगे, मेरे को एक बार ट्राई जरूर करना है। सो गाइस, नेक्स्ट शू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AJ1 पोलन। तो आप लोगों को पता होगा इन्होंने एक येलो कलर की मतलब एक सीरीज चालू करी है इस पे येलो का। तो उनमें से सिर्फ मेरे पास दो कलेक्शन में दो ही शूज पड़े हैं। सो ये वाला मैंने एक दो बार ही पहना रहेगा, इसको भी ज्यादा पहना नहीं है। ये भी मेरे को पसंद है, वैसे पसंद तो मेरे को सब है, लेकिन ये भी वन ऑफ द फेवरेट है। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजन रेड। ये मैंने अभी डब्बे से निकाला दिखाने के लिए, इससे पहले मैंने इसको निकाला नहीं है, अभी तक ट्राई नहीं करा है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा पिंकिश वाइब दे रहा है लड़के वाला, इसलिए मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ इसको पहनने में। लेकिन ये मेरे को ठीक टाइम लगता है, मतलब अगर हम इसको 10 में से रेट करेंगे तो मैं इसको 4 दूंगा, क्योंकि मेरे को इतना पसंद नहीं है, पर मैंने ले रखा है। सो नेक्स्ट, शू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइपर रॉयल ब्लू। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसको मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहना था जब ये मैंने लिया था। आई थिंक ये सेकंड या थर्ड दोनों में से मेरा एक रहेगा। सो लेकिन ये इससे मेरे से एक गलती हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं पहना था, क्योंकि मैंने साइड से कहीं कीचड़ में ले गया था तो पूरे गंदे हो गए थे, इसको मैंने साफ करवाया था। तो अब मैं इसको वापस पहनना चालू करूंगा। नेक्स्ट आते हैं अपन LV के शूज पे। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। LV का लग्जमबर्ग करके कुछ कहते हैं इसको। ये भी गंदे हुए थे, इसको भी मैंने साफ कराया था। अगर आप अपने शूज साफ करवा रहे तो स्निकिन लॉन्ड्री से आप करवा सकते हो, मैंने वहीं से करवाया था। उसका एकदम फ्रेश और नया लुक आ चुका है इसका। एंड बताना आपको ये कैसे लगा, ये भी मेरा फेवरेट है। तो मैं आप उन शूज के बारे में बताऊंगा जो मैंने सबसे ज्यादा घसीटे हुए हैं। ये AJ1 मोकास, ये मेरे फेवरेट है, इसलिए मैं इनको घसीटता हूँ। आई थिंक मैंने इतना पहना है, इतना किसी को भी नहीं पहना, मतलब यही पहना है, ये और एक शेडो 2.0। तो ये भी मेरे फेवरेट है। एंड अब एम्बुश, जो मेरे हर एक दोस्तों को पसंद है, जब मैंने लिया था सबका रिएक्शन वाह होता। तो अब बताना आपको ये कैसा लगा, मेरे को क्रेजी शू है, मतलब एक क्रेजी लगता है मेरे को इसका, जो ये ऐसा नाइकी का बाहर निकलता है ना, मेरे को पता नहीं क्यों कैची लगता है। अब शेडो 2.0 जिसके मैंने अभी बात करी थी, ये भी मैंने आपको इस शू के हालात देख के समझ आ गया होगा मैं इनको कहाँ मैं इनको कहीं भी पहन के निकल पड़ता हूँ। ये मेरे को इतने पसंद है, ये भी मेरे को बहुत पसंद है। आई थिंक मैंने शेडो 2.0 और मोकास इतने पहने में जितना कुछ भी नहीं पहना हुआ, तो आप समझ गए होंगे मेरा ये कितना फेवरेट है, क्योंकि इसका जो कलर पैटर्न है वो मेरे को सही लगता है, ग्रे स्टाइल जो है मेरे को फेवरेट लगता है। सो अब मैं बताऊंगा जो मैंने सबसे रिसेंटली है और अभी मैं इसको मतलब पहनना चालू करा है। तो ये है AJ1 का वोल्ट गोल्ड। तो ये भी मेरे को अच्छा लगता है इसका कलर, जो ये नियॉन जो ये जो भी शिप टाइप लगा, ये मेरा फेवरेट लगता है, इसलिए मेरे को कैसे लगता है, इसलिए मेरे को ये पसंद है। तो अब मैं बताऊंगा इन शू के बारे में। ये वुमेन सीफोम है, ये मैंने पता नहीं क्यों वुमेन्स वाला कलेक्शन ले लिया था गलती से, पर मेरे को अच्छा लगा था इसलिए लिया था, क्योंकि ये जो लेजीज का ये था ना मेरे को, इसलिए ये कैची लगा था, इसलिए मैंने लिया था। मैं सोचता था फिर दीदी को दे दूंगा पहनने का, लेकिन दीदी की टांग छोटी है तो उसका साइज 5 है, लेकिन मैं पहनूंगा इसको, देखूंगा कोई नोटिस करता है नहीं करता मैंने वुमेन्स पहने हुए।
अब बताऊंगा लो डंक पांडास के बारे में। आई थिंक ये सबको पसंद हो गए, मेरे को ये बहुत से लगता है क्योंकि ब्लैक और व्हाइट तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता ही है। सो अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रो ऑरेंज के बारे में, जो मैंने लिए हैं और अभी तक इनको भी ट्राई नहीं करा है, तो मैं इनके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। बाकी लुक्स के बारे में तो मेरे को ये पसंद है इसलिए मैंने लिए, अच्छे हैं। तो अब इन शू की बात करेंगे, ना मेरे को नाम पता है ना मेरे को इनको इनका अता पता पता है, बस मैंने स्टोर से जाके उठा लिया था। एंड इतना पता है कि सावन के पास भी है इनको, जॉर्डन 5-6 में से कुछ तो ये एक है, तो ये भी मेरा था फेवरेट, अब नहीं है। अब मैं बताऊंगा अपने फेवरेट रेड कलेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने रेड ही पहना हुआ है। सो अब मैं बताऊंगा एजेबल शिकागो रेड के बारे में, ये भी मैंने अभी तक पहने नहीं है लेकिन मेरे फेवरेट है, इनको पहनना है। और इनके साथ जो लेसिस, और एक बात बताना चाहूंगा, जो लेसिस सबके शू के साथ आ रखे हैं, मैंने सब संभाल के रखे हुए, वो भी अगर आपको देखना होगा तो बताना, मैं बाद में कहीं दिखा दूंगा। यही मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा लेकिन ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, करते इसको ट्राई, डालते फोटो इसकी। अब मेटालिक रेड के बारे में, ये एजे मेटालिक रेड, ये आई थिंक मिड है, इसको मिड ही बोलेंगे, हाँ ये मिड है। सो ये भी मेरा फेवरेट है, इसको भी मैंने इतना गंदा कर रखा है, इसको भी मैंने 3-4 बार आई थिंक वेयर करा होगा। सो ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट में से है। अब इन प्यूमा के शूज के बारे में, ये मैंने, मेरे को कसम से आइडिया नहीं है, मैंने क्यों लिया था, बहुत पहले लिया था क्योंकि मेरे को हाई एंकल शूज पसंद थे और तब इनके बारे में पता नहीं था, तब मैंने ये बाय किया था। आई थिंक बहुत लोगों ने प्यूमा के शोरूम में जाके देखा होगा, मतलब प्यूमा के शोरूम में जाके देखा होगा ये मिलते हैं, पर कसम से तब से मैंने सिर्फ आज तक एक ही बार पहना ये। एंड ऑल्सो एक मेरे सबसे पहले जॉर्डन थे वो मैंने लिए थे, पर वो मैंने खो दिए सबसे पहले, मतलब 2 साल पहले मैंने लिए थे, वो मैंने खो दिए किधर तो मैं भूल आया उनको, तो वो मेरे फेवरेट थे, मैं उनकी फोटो अगर आप मेरे पास होगी तो मैं डाल दूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट शूज के बारे में बताऊंगा जो मैं डेली वेयर में पहनता हूँ, कन्वर्स, ये मैंने ब्लैक लिए हुए थे और ऑब्वियसली मैं ये तो रोज पहन नहीं सकता, तो मैंने ये लिया था रोज पहनने के लिए क्योंकि मैं शूज जल्दी गंदे कर देता हूँ, ये भी बनाता हूँ मेरे फेवरेट्स है। तो मेरी इतने ही शू कलेक्शन थे और बाकी कुछ शूज मेरे गेमिंग हाउस में पड़े हुए हैं, वो आपको मैं दिखा दूंगा जब मैं वहां जाऊंगा। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप स्नीकर हेड है, आप अपने स्नीकर्स को शोकेस करना चाहते हो, आप ऐसे केसेस खरीद सकते हो ताकि आप अपने स्नीकर्स को अच्छे से शोकेस कर पाओ। और ऑल्सो आप जब भी ये जॉर्डन वगैरह परचेज करो तो मेक श्योर कि वो रियल खरीदो, फेक ना खरीदो। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैं किधर से खरीदता हूँ एंड मैंने किधर से अपने शू क्लीन करवाए थे, क्योंकि शू की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लोग स्नीकर हेड है वो अपने शूज को गंदा बिल्कुल देखना नहीं चाहते, तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा मैं किधर से खरीदता हूँ और किधर से मैंने शूज साफ करवाए थे। एंड ऑल्सो अगर इन शूज की इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए कि और कैसे कैसे होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो उन सब के इंस्टाग्राम मैंने दे रखे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो हर एक स्नीकर्स के बारे में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरा छोटा सा स्नीकर कलेक्शन था जो मैंने अभी तक करा है। सो मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मामाअर्थ एक इनिशिएटिव लिया है बाय 2025 टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। सो एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड ऑल्सो उन्होंने प्लास्टिक पॉजिटिव का इनिशिएटिव भी लिया है कि वो जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो लोग रिसाइकल कर देते हैं। एंड ऑल्सो कल मामाअर्थ ने प्लास्टिक पॉजिटिव का इनिशिएटिव लिया, आपको पता है जितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं। सो वो 240 एमटी प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, 1 एमटी इक्वल टू 1000 केजीज। एंड ऑल्सो कल मामाअर्थ ने एप्लीकेशन अपना लॉन्च करा है जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कब सेल आने वाला है, कब डिस्काउंट होता है, और वहां पे आपको पहली बार चल जाता है। सो फटाफट लिंक में जाओ डाउनलोड करो, iOS और Android सबके लिए।